तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इकट्ठे सरप्राइज से होंगे। हाँ, मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो आज जो है गैस आ रही है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 दिन से गैस नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी बहुत परेशान हो रहे थे। और सालन बनाना है आज। मैं आज बना रही हूँ फिश ग्रेवी, मतलब मछली का सालन बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड पे आपको नज़र आ रही होगी फ़िश। ये मैंने जो है अपनी बिल्ली के लिए बॉईल करने रखी है। अभी थोड़ा इसमें उबाल आया तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ। और यहाँ पर जो है वो अलग से फिश बन रही है हमारी, जो हम इंसान खाएंगे। अच्छा, चूल्हा हल्का कर दूं और ना मैं ज़रा उसमें नमक डाल दूं ज़रा। बहुत कम जो है मेरी बिल्ली जो है ना, बहुत कम जो है फिश खाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको फिश खिलाऊं। चले, यहाँ पर जो है मैं फिश के जो पीस हैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पर मैंने धो के और उसको रख दी थी अच्छी तरीके से। अच्छा, मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्का हल्का सा जो है इसका फ्राई करके हम जो है निकाल लेंगे। ये मैंने लिए 1 किलो मछली ली थी, बड़ा पीस था, लेकिन ना अब कैमरे में नजर नहीं आ रहा। 1 किलो मछली ली थी, तो ज़ाहिर है साफ साफ होने के बाद, कटने के बाद कम हो जाती है मछली, इतना कोई खाता भी नहीं। लेकिन बस मैं इसको जो है हल्का सा फ्राई करूंगी एक साइड तो दूसरा साइड, और इसको हम टाइट कर लेंगे। मछली मैंने निकाल ली और मुझे ना तेल थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा तेल और डालूंगी। उसके बाद ना ये 3 से 4 प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे और वो मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, इसमें जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और हाथ के हाथ अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, और फिर इसको जो है मसाले को हम खूब भूनेंगे। तकरीबन आधे घंटे इसको पहले ऐसे बनाएंगे, पकाएंगे, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। ये जाएगा साबित गरम मसाला। धनिया और हसबे जायका नमक, बस ये सब मसाले डाल के और इसको हम जो है चलाएंगे। और इसको इसी पॉइंट पे, मतलब इसी तरीके से आधे घंटे तक इसको मैं पकाऊंगी। और पानी अगर कुछ होता रहेगा तो मैं पानी इसके अंदर शामिल करती रहूँगी, लेकिन मैं इसको आधे घंटे तो तकरीबन इसको मज़ीद पकाऊंगी और इसको पानी शामिल करती रहूँगी और पकाती जाऊँगी। ये देखिए, मैं ना अपनी माऊ को खाना खिला रही हूँ, मतलब खा तो वो खुद ही, निकाल के मैं दे रही हूँ क्योंकि इसको खुद निकाल के देना पड़ता है, इसके नखरे बहुत हैं। नखरे वाली है हमारी माऊ। मुंह तो दिखाओ, अभी वो खाने में बहुत मसरूफ़ी है हमारी माँ। खाने का टाइम परेशान नहीं करते, बुरी बात होती है। अच्छा, ये माओ मेरी खाना खा रही है, ये कांटे वाटे। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे बिल्ली को कांटे निकाल के देने की क्या ज़रूरत है, बिल्ली का तो काम ही यही है कि वो कांटे वाटे सब खा जाए, लेकिन ये हमारी बिल्ली नहीं खाती। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से
सब कुछ साफ सुथरा करके देना पड़ता है, तब जाके महारानी कुछ खाती है, खाता है, खाती नहीं है, खाता है ये बिल्ला है। ये देखें आज इसकी ईद है, वैसे तो ये चिकन खाती है ज़्यादातर, पर आज मैंने इसके लिए फिश भी ली है। ये चलें, अभी हमारा सालन वहाँ पर मसाला जो मैंने बताया था वो पक रहा है, जब तक ये खाना खा रही है अपना। अच्छा यहाँ पे देखें माशाल्लाह से तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, और पानी दो दफ़ा खुश्क हो गया था तो मैंने पानी डाल डाल के इसको पकाया है। और अच्छा इसमें दही लाजमी जाता है, लेकिन हम लोग अभी दूध दही और गाय का गोश्त और चिकन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं इसके अंदर जो है सिर्फ इमली का पानी डालूंगी। और अब जो है वो बिल्कुल मसाला खुश्क होने पे आ गया, और जो चिकन ये फिश जो है मैंने वो करके रखी थी तल के, अब मैं वो इसके अंदर रखना शुरू कर दूँगी इस तरीके से, एक एक करके पीस में इसमें सारे लगा दूँगी। चाहे तो वैसे तो भाई जो लोग दही खा रहे हैं या दूध दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें दही डालें, पर मैंने दही इसमें नहीं डाला है क्योंकि हम ज़रा कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं, और बिल्कुल से एक महीना हो गया है हमने जो है दूध दही और उसका क्या कहते हैं बड़े का गोश्त नहीं खा रहे हैं। चिकन तो खैर 15 दिन हुआ है मुझे, मैंने इस्तेमाल नहीं करी 15 दिन से, बीफ मैंने महीना हो गया उसको इस्तेमाल नहीं करा। चलें अब यहाँ पर जो है मैंने ये फिश जो है लगा दिए, इसको 5 मिनट दम देंगे, फिर ढक्कन हटा के इसको पलट देंगे, फिर इसको दम देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी इसको ढक्कन देके 5 मिनट तक दम देंगे। 5 मिनट हो गए और अब हम ये देखें, बस अब हम इसको पलट देंगे फिश को। अच्छा अब फिश पलटने के बाद दोबारा से इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम लगा देंगे दम पर, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी, मैं बताती हूँ कैसे लगाऊंगी। ये मैंने तवा रख दिया है, और जैसे हम चावलों को दम देते हैं मैं बिल्कुल उस तरीके से जो है इसको दम दूंगी। ये देखें मैं इसको अब दम पे लगा रही हूँ दोबारा से 5 से 10 मिनट। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे हम कर देंगे चूल्हा बंद, और ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी फिश रेडी हो गई है, और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये मैंने इस पर डाल दी है कसूरी मेथी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और रेसिपी कैसी बनी है फिश ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी कमेंट करिएगा। और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।